हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके काफ़ी बच्चों के मन में संशय है कि ये अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। और इस साल के बजट में आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे, ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी और ये सभी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लिए, आपके नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए स्टेज वन का रिक्रूटमेंट करेगी एंड देन स्टेज सेकेंड के लिए रिक्रूटमेंट वो सर्टेन जो भी करते रहे, जैसे बैंक हैं उसके लिए IBPS कर देगा, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए SSC कर देगा, रेलवे के लिए रेलवे बोर्ड कर देगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो RRB। सो क्या ये चीज सबके लिए अच्छी रहेगी या ये सबके लिए अच्छी नहीं रहेगी, आज के सेशन में इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बड़ा चेंज आता है किसी भी लेवल पे आए, वो सबके लिए अच्छा कभी नहीं होता। हाँ, वो मास के लिए अच्छा होता है, ये भी मास के लिए अच्छा होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से एक तो सबसे बड़ा क्या है कि जैसे आपके ये कितने तरह की जो बड़ी एग्जाम्स अगर आपने देखें तो बैंक, SSC और रेलवे, इन तीन को ये कवर करेंगे। तो इसमें आपको जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर जैसे आप बैंक में ही देखें तो बैंक में भी एक से ज़्यादा भर्तियां थी। भी आप बैंक क्लर्क के लिए तो आप IBPS क्लर्क के, IBPS RRB क्लर्क के, SBI क्लर्क, राइट। तो इससे क्या होगा, अब बैंक, SSC और रेलवे में नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, मान लो इन्होंने जैसे पहले ये इनिशियली 2018 के बजट में ये इशू आया, 19 में थोड़ी चर्चा हुई, अब 20 में ये प्रपोजल्स और बजट इसको दिया गया है। इसका मतलब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन हो जाएगा और इसके साथ ही जो एक बड़ी चीज इन्होंने कही है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एग्जामिनेशन सेंटर सेट करेंगे। तो अगर एस्टेब्लिश हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जो बच्चे रिमोट से बिलोंग करते हैं, जिनको बहुत दूर आके एग्जाम देनी पड़ रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली अच्छा। नंबर ऑफ फॉर्म्स जो फिल कर रहे थे आप वो भी कम हो गए, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हुआ, टाइम का जो वेस्टेज था वो भी कम हुआ, सभी चीजें अच्छी हैं। लेकिन सब अच्छी सबके लिए नहीं है। कैसे नहीं, जैसे कोई भी ओल्ड एस्पिरेंट है जो पिछले 4 साल से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कह रहा हूं जैसे वो बैंक की कर रहा है ज्यादातर, सॉरी एस्पिरेंट्स को मैंने देखा जो बैंक की कर रहा है वो बैंक की कर रहा है, बैंक में वो सबकी कर रहा है, भी वो SBI भी दे रहा है, वो RBI भी दे रहा है, वो IBPS भी दे रहा है, वो RRB क्लर्क का भी दे रहा है, PO का भी दे रहा है। बट बैंक वाला SSC या रेलवे वाला SSC या बैंक ऐसे हैं बट कम है, मास नहीं। तो एक एस्पिरेंट है वो 4 साल से बैंक का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसने प्री क्रैक भी कर ली कुछ, मेंस में वो ड्रॉप हो रहा है, या वो इंटरव्यू क्लर्क में, चलो इंटरव्यू तो नहीं है, वो मेन लेवल पे मान लो रह गए, तो उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी उस सर्टेन के लिए, उससे जो एक पैटर्न है, जो एक सिलेबस है उसके लिए उसका काफी वो नजदीक चला गया, जिस दिन भी उसका दिन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो वो 2020 जो इस साल जो रिक्रूटमेंट में है और अनफॉर्चुनेटली वो इनमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुई आपकी ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका आप मान के चलिए कि जो बैंक का सिलेबस था वो तो नहीं है उसका, भाई वो बैंक, SSC और रेलवे को अगर सबका मर्ज करके आप सिलेबस बनाओगे और एक काफ़ी ऐसा सिलेबस बनाओगे जो मास को टच करेगा, तो वो बैंक के तो आसपास भी नहीं होगा। हो सकता है 20-30% मिले, बट 100% तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। तो उस बच्चे के लिए जिसने 4 साल प्रिपरेशन एक सर्टेन सेट फॉर्मेट के लिए, सेट पैटर्न के लिए, सेट सिलेबस के लिए की, और 2021 में उसको नया सिलेबस, नया पैटर्न, नया पेपर सब कुछ मिला, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर रहा था, राइट। हो सकता है वो स्टेज वन में ही रह जाए, स्टेज टू की जरूरत ही नहीं। एक चीज ये सभी के लिए लागू है जो SSC के लिए कर रहा था, रेलवे के लिए एक बड़ा चेंज, जैसे रेलवे में आई थिंक इंग्लिश नहीं होता है, या आप चाहें तो ले लें या नहीं चाहें तो नहीं लें, ऐसा होता होगा, बट इंग्लिश यहां आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। अब जो NRA डिसाइड करेगा सिलेबस और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि बैंक SSC में है इंग्लिश,
अगर इंग्लिश उसमें रखा गया, जिसकी पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी, तो उस बच्चे के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वो रेलवे की तरफ शिफ्ट इसलिए हुआ कि उसको इंग्लिश से डर लग रहा था, इसलिए उसने बैंक एसएससी की बजाय रेलवे को सेलेक्ट किया। अब वो 3-4 साल से रेलवे में लगा हुआ था और एक लेवल पे चला गया था कि मैं क्रैक कर लूंगा इस साल, नहीं तो अगले साल कर लूंगा, और वही यही 1-2 साल की उसकी एज बची हुई है। अब उसको एक नया 2021 में जैसे ही एक नया उसको पैटर्न मिला और उसमें इंग्लिश भी मिल गई, अब वो काम आगे भी, अब पहले वो बैंक और एसएससी से भाग के रेलवे की तरफ चला गया इंग्लिश से बचने के लिए, लेकिन अब तो वो ट्रैप हो गया, अब वो बच नहीं सकता। अगर इंग्लिश उसमें ले लिया फाइनल में तो इंग्लिश से उसको गो थ्रू होना पड़ेगा, 1-2 साल उसकी एज बची हुई थी, वो जब तक उस इंग्लिश को अपडेट करेगा तब तक उसकी उम्र निकल जाएगी। और चीज़ तो बहुत अच्छी आई, लेकिन उस पर्टिकुलर से पूछो आपकी अच्छी आई बुराई, वो तो कहेगा बहुत बुरी है, मैं तो सिलेक्शन से बाहर हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो गया, एज रहेगी नहीं रही मेरी, अब तो उसके लिए अच्छा नहीं हो। तो ये जो पैटर्न नया आया है, ये ओब्वियसली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें फायदे ही फायदे हैं फ्रेशर्स के लिए। लेकिन जो बच्चे 3-4 साल से किसी पर्टिकुलर की, वो भले बैंक की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे थे, या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे थे, और एक लेवल अचीव उन्होंने कर लिया था उस पर्टिकुलर एग्जाम का, उनके लिए ये अच्छा नहीं रहने वाला है। तो मेरा ये वीडियो आज लाने के पीछे ये नहीं है कि मैं ये चीज़ें इनके प्रोस एंड कॉन्स बताऊं, मैं उन बच्चों को जगाना चाह रहा हूं जिनकी एज ज़्यादा नहीं बची है, वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर बैंक, एसएससी और रेलवे, और उसमें एक सर्टेन लेवल तक वो पहुंच चुके हैं, सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। तो इस 2020 में आप जो कुछ भी है अपना 100% इसमें झोंक दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगली साल जैसे ही नया पेपर आएगा, वो पेपर आपको उतना सूट नहीं करेगा जो इस साल, जिस पेपर की प्रिपरेशन आप 4 साल से कर रहे हैं, या 3 साल से कर रहे हैं, या 2 साल से कर रहे हैं, वो जितना सूट कर रहा है वो आपके अगले साल वाला कभी नहीं करेगा, ये मान के चलिए आप। सो जो बच्चे सॉरी ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक एग्जाम की इनमें से प्रिपरेशन कर रहे थे, एक लेवल अचीव कर चुके थे, उन सबसे तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये 2020 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप इसमें 100% जो होंगे इसको क्रैक कर लीजिए, अदरवाइज आपको अगले साल एक नई चीज से गो थ्रू होना पड़ेगा, और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना इस साल आप करेंगे। बाकी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, सिंगल फॉर्म है, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका नज़दीक है, एक ही एग्जाम का स्कोर, जैसे इनिशियली इसकी चर्चा हुई तो उसमें आया था कि 2 साल तक वैलिड रहेगा, तो एक बार आपने एक सर्टेन लेवल ये मार्क्स अचीव कर लिए तो आप पता चला कि 2 मेन्स एग्जाम को में आप अपीयर होने के लिए फ्री हो गए, तो ओब्वियस आप उसी पे मेन पे ही फोकस करेंगे, मेन और प्री में डेफिनेटली एक सर्टेन डिफरेंस होता ही होता है हर एग्जाम में, राइट। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन बच्चों की अभी मैंने चर्चा की वो बिल्कुल जग जाए नींद से, और इस 2020 में अपना सब कुछ झोंक दें और अपना सिलेक्शन लें, अदरवाइज अगले साल की जो ये एग्जाम है उनके लिए उतनी फेवरेबल नहीं रहने वाली है जितनी फ्रेशर्स के लिए, राइट। फ्रेशर्स का फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, उनके कोई टेंशन नहीं, दूसरा उनके एज भी काफ़ी बची हुई रहती है, इसलिए भी उनके टेंशन कम रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।